नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा पाया था, न आज मिटा पाया है, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा। क्योंकि किसान साथियों, हम रिपोर्ट नहीं देते, वरन हम अंगद के पैर की तरह अपनी बात को जमा देते हैं, जिसे न कोल्ड मालिक उखाड़ पा रहे हैं, न ही व्यापारी उखाड़ पा रहे हैं, न ही किसान विरोधी, न ही मंदड़िया, और न ही जो आलू का व्यापार कर रहे हैं वो, और न ही वो जो अपना आलू बेच चुके हैं, बुरी तरीके से हताश हैं। किसी की बस नहीं चल रही है। जो सोनू चौधरी ने जो रिपोर्ट गाड़ दी है, किसी के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, सोनू चौधरी ने आपका वर्ष 2024 में वो साथ दिया है, जहां पर अन्य यूट्यूबर जो है लड़खड़ाकर गिर गए और अपशब्दों की बौछार करने लगे और टांग खिंचाई करने लगे। सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को लेकर लठ गाड़ कर बैठा रहा था, जूता एकदम मजबूत क्वालिटी का, जब चाहे जब इन लोगों के सिर पर बजाया था। किसान साथियों, आप लोगों को शुरुआत से लेकर अक्टूबर, आज 2 तारीख हो गई, आज तक का आप जो है डाटा निकाल कर देख लीजिए, कोई भी रिपोर्ट सोनू चौधरी की आप लोगों को झूठ मिली हो। सोनू चौधरी ने जनवरी में जिस समय पर आपका दूसरा पानी लग रहा था, तभी ये कह दिया था आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, जिसे आपने जून जुलाई में बिकते हुए भी देखा और अपना आलू बेका भी। इस बात के आप खुद प्रत्यक्ष के रूप में प्रमाण है। खुदाई के समय पर सोनू चौधरी ने यह कहा था कि आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, तब इन्हीं यूट्यूबरों ने और अपने आलू खरीदने वाले लोगों ने तमाम आप लोगों के ब्रेन वॉश किए थे, अरे ये मरवा देगा, ये कर देगा, तमाम आप शब्द बोले थे, लेकिन आलू फिर 800-1000 रुपए प्रति कट्टा खेत से ही बिके थे। उसके बाद में हमने आप लोगों को खेत में ही खड़े होकर एक वीडियो में ये कहा था कि किसान साथियों, आलू आप कोल्ड स्टोर में रखो, घबराना नहीं, कोल्ड के गेट 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा से खुलेंगे। और फिर आपने जो है 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा से आलू के जो निकासी थी, गेट जो कोल्ड स्टोरेज थे वो देखा। इसके बाद में आलू ने जो रफ्तार पकड़ी, उससे यूट्यूबर जो किसान हित का चोला पहनकर वो बहने बैठे हुए हैं बगुला भगत, और कई लोगों ने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। इसके बाद में किसान साथियों, शुरू होता है विषम परिस्थितियों का दौर, अगस्त का महीना। इसमें हम आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों से ये कहते रहे कि आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, ये होगा वो होगा। तब ऐसे यूट्यूबरों ने जो कि बगुला भगत बने हुए बैठे हैं, इन लोगों ने ये मरवा देगा 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा कहने वाले दिखाई नहीं देंगे। किसान साथियों, ये वही सोनू चौधरी है जिसने ये कहा था आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और आज किसान साथियों, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यह कहा था आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। मैंने कभी भी किसी भी आलू का नाम नहीं लिया था, किसी भी स्टेट का नाम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ यह कहा था आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। किसान साथियों, इस बात के आप सभी लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हो चुके हैं। और आलू कोलंबा गुजरात में 2000-2100 रुपए प्रति कट्टा भी बिक गए, और वहां पर आलू की धीरे धीरे जो है शॉर्टेज भी होती जा रही है। अब किसान साथियों, लोगों की हताशा और यूट्यूबरों की बौखलाहट वीडियो में साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस आलू को लेकर मैंने कहा, मैंने तो किसी आलू का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी स्टेट का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ आप लोगों का हर वीडियो में यही कहा था आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। कभी किसी वीडियो को उठा के देख लेना, मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बिकेगा, बंगाल में बिकेगा, या इसमें बिकेगा, या गुजरात में बिकेगा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और आज देखिए आलू 2100 रुपए प्रति कट्टा भी बिक रहा है। अब यूट्यूबरों की बौखलाहट, व्यापारियों की बौखलाहट और कोल्ड मालिकों की बौखलाहट कमेंट में देख लो, इनका बस नहीं चल रहा है। लेकिन याद रखिए किसान साथियों, आप लोगों को आज जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप भी इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे कि ये नटवर लाल यूट्यूबर जो कि बगुला भगत बने हुए बैठे हैं, किसान हित का चोला ओढ़कर किसानों की बर्बादी के सपने देख रहे हैं, इससे आपको आज पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि किसान साथियों, इनकी बौखलाहट मैंने आज ये देखा कि इन लोगों ने कोलंबा आलू 3% ही बता दिया गुजरात में। लेकिन किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को इन नटवरलाल यूट्यूबरों की जो जमीनी हकीकत है ना, वो दिखाऊंगा, वो सुनाऊंगा कि गुजरात में कोलंबा 3% है या 20% है। आप सोनू चौधरी के साथ किसान साथी जुड़े हुए, सोनू चौधरी ने अपना निजी खर्चे पर 15,000-20,000 खर्च करके गुजरात के दौरे पर रहा था, और आप लोगों को कोलंबा प्रजाति ही दिखाई थी कि कोलंबा कितना लगा हुआ है, और ये 3% बता रहे हैं। इसकी सच्चाई आज हम
गुजरात के ही जो दिग्गज एसोसिएशन में बैठते हैं उन्हीं के जुबानी सुन लेते हैं, ताकि ये जो जितने भी ये नटवरलाल यूट्यूबर है ना, क्योंकि अब आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिक गया, अब जो है इनके चेहरे से तोते उड़ गए हैं, होस्ट फाकता हो गए हैं और इनकी बौखलाहट इनकी वीडियो में साफ नजर आ रही है। अब तो ये हाथ पैर भी फेंकने लग गए हैं, कभी आप लोगों ने इनका हाथ पैर फेंकना नहीं देखा होगा, लेकिन बौखलाहट है ना कि आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के पार बिक गया और इन लोगों को सोनू चौधरी की सिंचाई करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि सोनू चौधरी हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम कर रहा है, जिसे लेकर इन लोगों का मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा गया है फिलहाल। क्योंकि आज आपने नटवरलाल यूट्यूबरों की जो है वीडियो देखी होंगी, जिनमें 3% ही बताई कि 3% को लंबा है और उसकी जो है शॉर्टेज है, किसी ने सूर्य का उदाहरण दे दिया, किसी ने किसी और का उदाहरण दे दिया, लेकिन किसान साथियों ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस ऑडियो को सुनने के बाद में आप अपना निर्धारण स्वयं तय कर लेना, कौन आपके हित में जमीनी से सच्चाई उखाड़ के ला रहा है और कौन आप लोगों को केवल अपने वीडियो के माध्यम से बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। और ये वीडियो आप लोगों का दिशा और दशा दोनों तय कर देगी। सुन लीजिए ऑडियो। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार भैया। सर क्या स्थिति चल रही है आपके इधर जो है गुजरात में आलू की पोजीशन? गुजरात में कोलंबो के अच्छे माल की पोजीशन समझो 40 रुपया जी। यानी हाँ। का कितना आ जाता होगा? हाँ? पैकेट का कितना आ जाता होगा 40 रुपए किलो से? पैकेट जी, पैकेट होगा 2000 रुपए का। अच्छा, मुझे एक जानकारी और चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कुछ यूट्यूबर जो है आपके कोलंबा को शॉर्ट बता रहे हैं कि इसकी शॉर्ट की वजह से उसके रेट बढ़े हुए हैं। मैं जानकारी यूट्यूबर 3% ही कोलंबा गुजरात में लगाया है। नहीं, ऐसा नहीं है, 15-20% कोलंबो की बुआई होती है हर साल, इस बार थोड़ी ज्यादा होगी मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3% आलू होते हैं। 2-3% आलू में तो पता ही नहीं चलेगा कौन से कोने में कौन खा गया कौन ले गया, 2-3% तो सीट में चला जाता है। नहीं, वो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि एक यूट्यूबर है जो कि इस समय पे बौखलाया हुआ है, क्योंकि मैंने एक बात कही थी अपने वीडियो में कि आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, देन जैसे ही आपके गुजरात में आलू कोलंबा जो है बिक रहा है 2000 रुपए या इससे ऊपर भी बिक रहा है, तो आपने बताया था वो बौखलाया हुआ है, वो आज वीडियो में ये बोल गया कि मतलब कि वहां पे जो है आलू की शॉर्टेज है, 3% लंबा लगा हुआ है, सबसे ज्यादा ख्याति और पुखराज लगता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ख्याति पुखराज की वैरायटी की जी कितने परसेंट में लगता है? हमारा राशन खाने में होता है कुल मिला के 60%, 40% होता है प्रोसेस वैरायटी। चलिए गुजरात 60% में बता दीजिए कितने परसेंट में कोलंबा लगता है? कोलंबो समझो 15-20% में कोलंबो लगता है, 30% में पोखरा समझो जी, बाकी के जो बचा उसमें बादशाह लॉकर वो वैरायटी आती है। अगर मैं इस बार पूछूं कोलंबो की कितने पैकेट जो हैं इस बार गुजरात में बने थे 15-20% लगने पर? करीबन समझो 20 लाख पैकेट समझ के चलो। 20 लाख पैकेट तो बहुत हो गए, ये जो यूट्यूबर तो 3-3% चिल्ला रहे हैं। नहीं, 3% कहा होता है, 3% तो माइनर होता है, वो तो गिनती में भी नहीं आ रहा। अब भी 3-3.5 लाख पैकेट अब भी कोलंबो गुजरात में पड़े होंगे क्या? 3 लाख की बात, ये मतलब ये झूठ बोलते हैं यूट्यूबर जो अपने वीडियो को चक्कर में। हाँ चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी जानकारी दी। थैंक यू। किसान साथियों ऑडियो सुनने के बाद में अब आपने गुजरात की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया होगा कि गुजरात में वास्तविक रूप से 3% कोलंबा नहीं है, 15-20% जो है कोलंबा आलू लगता है। 15-20% आप जान रहे हो कितनी बड़ी क्वांटिटी हो गई, तो कोई आलू की कमी नहीं है, बस क्या है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना है। यार आलू बिक रहा है, सोनू चौधरी ने आलू की कही थी, सोनू चौधरी से बात करो, सोनू चौधरी ने आलू की कही थी, ना कि किसी की प्रजाति बताई हो, ना किसी का स्टेट का नाम लिया हो, सोनू ने यही कहा था आलू बिकेगा 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा और वो बिक रहा है। अब इससे क्या मतलब निकलता है कि क्या है कैसे है, बस किसानों को बरगलाना है ना। अब किसान अपने आलू को किस तरीके बेचेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप बता देता हूँ। आप लोगों ने तो सोनू चौधरी की टांग खींचने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, तुम लोगों ने व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के सहयोग से वो शब्द तक कहे थे जिसकी कल्पना जो है कोई नहीं कर सकता है। खैर मेरा आप तीनों यूट्यूबरों से कोई वो नहीं है गिले शिकवे, लेकिन आप लोगों की नाकामी आप लोगों की वीडियो में साफ तौर पर स्पष्ट रूप से झलक रही है। ये वो बंदा है, ध्यान रखना, सोनू चौधरी जो कहता है ना वो करके दिखा देता है, जबान खींच लेता है हलक में से, क्योंकि हम बात करते हैं किसानों के
आन बान शान उनके सम्मान और उनका सीना गर्व से चौड़ा रहे, उनके बच्चे पढ़े लिखे और जो है अच्छा उनका परिवार चलता रहे। और आप लोगों का क्या है, व्यापारियों का बोलोगे, कोल्ड मालिकों के बारे में बोलोगे, अपने सगे संबंधियों के बारे में बोलोगे या फलाने ढिकाने के बारे में बोलोगे, कभी किसान की बात नहीं करते हो, किसान से बस इतना कहा जाता है आलू निकालो ये करो, ये तो किसान कर ही रहे हैं, लेकिन जो किसान के लिए हम कर सकते हैं वो तुम देने में विफल साबित हो रहे हो। किसान साथियों, गुजरात की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद में अब जो है राशन आलू की शॉर्टेज जो है गुजरात में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। गुजरात में 1 अक्टूबर से लगातार उत्तर प्रदेश से आलू की राशन की गाड़ियों का लदान जो है उधर के लिए हो रहा है। राजकोट हो, भरूच की मंडी हो, अहमदाबाद की मंडी हो, या आपकी जो है बड़ोदरा की मंडी हो या जामनगर की मंडी हो, सभी जगहों पर कल से कम था लेकिन आज से ज्यादा मात्रा में राशन आलू जो है जा रहा है। इसको लेकर किसान साथियों कई लोगों ने बहुत कमेंट किए थे, बहुत ज्यादा दिमाग का संतुलन लोगों का बहुत ज्यादा गड़बड़ा चुका है। सबसे ज्यादा जो है व्यापारियों का गड़बड़ा गया है क्योंकि कोई उन्हें आलू नहीं खरीदने दे रहा है, और जो उन लोगों का गड़बड़ा गया है कि जो है सस्ते में आलू खरीदने के फिराक में बैठे हैं और किसान उनको दे नहीं रहे। निश्चित तौर पर किसान साथियों आप लोग बस हल्की जुबान का प्रयोग मत करो, आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी क्योंकि गुजरात के लिए लोडिंग भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में गुजरात के जो भाव हैं वो आप लोगों को अब जो है मिलने वाले हैं। गुजरात के बारे में एक यूट्यूबर ये कह रहा था कि गुजरात में 2021 रुपए कट्टा की तेजी आ गई, 21 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा, तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बिक रहा है, ये नहीं बिक रहा है। भैया दलाली करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि व्यापारी कोल्ड मालिक और यूट्यूबरों के साठ गांठ की वजह से ही आज किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। अगर ये यूट्यूबर जो है अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते ना तो आज किसान आलू के अच्छे रेट ले रहे होते हैं, लेकिन किसान पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। और कुछ तो यूट्यूबर किसान साथी इस प्रकार के हैं कि वो जो है लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में जा जाके लाइव वीडियो दिखाने से दूर बैठा हुआ चेन्नई मंडी में या बैंगलोर की मंडी में या दिल्ली की मंडी में बैठा हुआ आड़ती है उस वीडियो को देख रहा है ना, तो उस वीडियो से उसके पास में ये संदेश जा रहा है कि ये आलू वहां पर 1300 का बिका है, 1400 का बिका है। अब व्यापारी उस आलू को चाहकर भी उस मंडी से उस आड़तिया से 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा के दाम नहीं ला सकता है। वो आड़तिया उस व्यापारी और उस कोल्ड मालिक से बोल रहा है कि हमने तुम्हारे कोल्ड से, तुम्हारे एरिया के कोल्ड से, तुम्हारे जिले के कोल्ड से, तुम्हारे राज्य के कोल्ड से हमने लाइव वीडियो देखी है, वहां पर आप लोगों ने इस रेट पर आलू खरीदा है, अब इसमें हम आपको क्या दे दें। तो निश्चित तौर पर आप इसे मानिए, ऐसी वीडियो की वजह से ही किसान जो है खुद बर्बाद हो रहा है और यूट्यूबर अपने आप को बड़ा 30 मार का तुर्रम खा समझ रहे हैं कि हम वीडियो बना के कोल्ड से डाल लें, इसमें बहुत बड़ा भला हो रहा है। भला तेरा हो रहा होगा लेकिन किसान किसानों का तो कोई भला जो है इन वीडियो से नहीं हो रहा है। कोल्ड मालिक, मैनेजर, व्यापारी अगर कोई यूट्यूबरों को वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं तो उसका मतलब साफ स्पष्ट रूप से यह है कि वो किसानों को अच्छे दाम देना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डालने का मतलब है किसानों की बर्बादी होना। और किसान साथियों यदि आप ऐसे लोगों की वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आप बर्बाद होना खुद चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डालना आड़तियों को स्पष्ट रूप से बता देती है उस कोल्ड स्टोरेज में उस जिले में ये रेट बिका है, तो फिर कैसे वो आपको आलू के तेज रेट दे देगा। इस बात से आप समझिए कि ऐसे लोगों की वीडियो भी आप लोगों को देखना बंद करनी होगी। किसान साथियों इधर जो है आप लोगों को आजादपुर मंडी के बारे में बता देते हैं। आजादपुर मंडी में जो स्थितियां है ना, जो गाड़ियों की आवक होती है उसका एक हवा बनाया जाता है। हवा क्या बनाया जाता है, उसमें जो है मैक्स भी पहुंचती हैं, उसमें जो है छोटा हाथी भी पहुंचते हैं जो लोडर बोलते हैं, उसमें जो है मेटाडोर पहुंचते हैं, उसमें जो है टाटा 407 पहुंचती हैं, किसी की क्या वो है 50 कट्टा भी लेके पहुंच गया वो भी गाड़ी में सामान शामिल हो जाता है, 25 कट्टा जो छोटा हाथी बोलते हैं जैसे मैक्स छोटा वाला लोडर जो होता है उसमें 25 कट्टे पहुंच गए वो भी गाड़ी में शामिल हो जाता है, कैंट्रा पहुंच गई उसमें वो भी गाड़ी में लोड हो जाता है। लेकिन गाड़ियों की वास्तविक स्थिति किसी को नहीं पता होती, गाड़ी किसे बोलते हैं, ये इसी को 200 या 25 कट्टा से लेकर अगर 150 कट्टा अगर आगे तो उसे वो जो गाड़ी में गिन लेते हैं, तो इससे आप लोगों को एक बहुत ज्यादा दुविधा हो जाती है, तो इसे भी आप लोग जो हो थोड़ा समझना होगा। इसके साथ ही किसान साथियों आजादपुर मंडी में, आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और कुछ यूट्यूबरों की दलाली और कुछ यूट्यूबरों की नाकामी की वजह से इसे जो है चोर मंडी का दर्जा भी दे दिया। लेकिन किसान साथियों यहां पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि आजादपुर मंडी में जो यूट्यूबर जो है वीडियो बनाते हैं ना वो उस आड़त के भाव दिखाते हैं जिस आड़त पर वो वीडियो दिखा रहे हैं, जिस आड़त पर वो वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं उसकी आड़त पर वो इस रेट पर आलू बिका होता है,
लेकिन आप लोगों की गलती ये होती है कि उस आढ़त के ही भावों को दिल्ली के आजादपुर मंडी के भाव मान लेते हैं, जिससे आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। दिल्ली के आजादपुर मंडी के जो भाव हैं वो 9-10 बजे के बाद में ही सार्वजनिक होते हैं, जो कि उनके खुद के जो एसोसिएशन है ऑनियन एंड पोटैटो मर्चेंट जो है वो खुद अपना डालते हैं कि आज क्या भाव है पूरे दिल्ली का। लेकिन यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी राकेश जी की आदत पर चले गए तो वहां पर डाल दिया, राकेश जी के पे क्या बिका, पदम जी के क्या बिका, फलाने की पे क्या बिका, वो उनकी रेट बता देते हैं और हम लोग क्या समझ लेते हैं कि आलू ये बिका है। लेकिन जो स्थितियां होती हैं वो यूट्यूबर आपको दिल्ली में बताने में नाकाम और नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, पहली बात तो गाड़ियों की जो स्थिति है ना वो मैंने बता दिया, वो भी आप जो है ऐसी स्थिति से गाड़ियां बताई जाती हैं जिससे दिन प्रतिदिन आपके अंदर जो घबराहट होती है। और दूसरी घबराहट यहाँ से होती है कि यूट्यूबर जो है उस आड़त के भाव बता रहे हैं जिस आड़त पर वीडियो बना रहे हैं, ना कि वो पूरे होलसेल का दिल्ली के आलू की मंडी का जो क्या डाटा रहा है, क्या रिजल्ट रहा है उसे नहीं बताते। मसलन आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा में जो है सूर्या देखे हैं दिल्ली में, लेकिन जिस आड़त पर ये वीडियो बना रहे हैं कोई 1450 की बना रहा है कि सूर्य 1450 चंद्रशी के गए, कोई जो 1400 की बना रहा है। हर आड़त का अपना अपना अलग अलग रेट होता है, जिसे जो है हम YouTube पर वीडियो देख दे उसे जो है सही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वास्तविक रेट होते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो मैं यूट्यूबरों से यही निवेदन करूंगा कि इस तरीके की वीडियो ना बनाया करें जिससे किसानों के अंदर गफलत यानी कि भ्रमित होने की स्थिति पैदा हो। किसान साथियों, इस समय पर आलू के रेटों की बढ़ने की संभावना और ज्यादा जो है नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हरी सब्जियों का उत्पादक राज्य है जिनमें जो है राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इधर जो है आपकी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों की फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कहीं कहीं स्थिति यह है कि सब्जियों का उत्पादन बहुत ज्यादा जो है खराब हो गया है और ऐसे में जो सब्जियां आ रही हैं वो जो है सीमित मात्रा में आ रही हैं, सब्जियां बहुत सड़ रही हैं, इसकी वजह से दिन प्रतिदिन के दाम बढ़ रहे हैं और दाम बढ़ने के चलते लोगों की निर्भरता जो है आलू पर बढ़ी है। जब आलू पर इसकी निर्भरता बढ़ी है तो आलू के रेटों में इजाफा जो है दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, इस समय पर आप लोगों को एक नई जानकारी दे दें, इस समय पर एमपी में जो है अच्छी खासी जो है आलू की मांग बढ़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो है आलू कोल्ड स्टोरेज से बाहर जा चुका है और इधर जो है जब आलू बाहर चला गया है तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जो निर्भरता है वो फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश पर ही आश्रित होकर रह गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के आलू की यहाँ पर जो है जबरदस्त मांग देखी जा रही है और डेली कंटिन्यू आज से इंदौर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आलू जो है जाना प्रारंभ हो गया है। तो ऐसे में आलू के रेटों को चाह कर भी कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। अब रेट किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से नहीं आएंगे, वो आप लोगों के अंदर व्यापारी, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनी मिलकर और यूट्यूबर की सांड गांठ से एक भ्रम और एक जो है गलत जानकारी आप लोगों के अंदर डाल दी जाती है, जिससे आप जो है औने पौने दामों पर आलू बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। किसान साथियों, इधर जो है एमपी में जो आलू लगे हुए थे, लगाए गए थे, तो वहां पर जो है अब जो है भारी बारिश की वजह से वो जो है सड़े हैं, बीज जो है, बीज आपने देखा हो क्या स्थिति भारी बारिश से 15 दिन जो है मध्य प्रदेश में रही है, तो ऐसे में बीज की सड़ना भी गुल्ला और गुल्ली आलू के रेटों को और ज्यादा बढ़ाएगा। वहां पर बीज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में हम बीज को लेकर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यही हालत हुई है, बिहार झारखंड में भी यही हालत हुई है और आपका बंगाल में भी यही हालत हुई है। तो जो भी बीज के जो उत्पादक राज्य है यानी पंजाब, यहाँ पर अब जो है आलू के बीज के रेटों में 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से शॉर्टेज दिखाई दे रही है, हो सकता है इसमें और ज्यादा इजाफा जो है हो जाए, तो सब पंजाब के किसानों को भी इससे जो है काफी राहत जो है बीज के रूप में, आलू की निकासी के रूप में, बढ़ोतरी के रूप में मिलेगी। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात आ जाती है, सोनू भैया आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बात कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, लेकिन हमको आलू के सही रेट नहीं मिल रहे हैं। यकीनन किसान साथियों इसे सुनकर जो है आप तो परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एक बात बता दें, इस समय पर चूंकि गुजरात में आलू के दाम 2000 रुपए से लेकर 2100 रुपए प्रति कट्टा हो गए हैं, जो मध्य प्रदेश भी खाली पड़ा हुआ है, हरी सब्जियों की फसलें जो है प्रभावित हो रही हैं और जो है साउथ में आलू की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है, तो ऐसे में
ये लोग चाहे उसमें व्यापारी हो या कोल्ड मालिक हो, कोल्ड मालिक जो पहले 60 रुपए कट्टा का कमीशन लेते थे आज वह 150-150 रुपए वसूल रहे हैं। मैनेजर व्यापारी जिनकी औकात 20 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति कट्टा की कमीशन के रूप में थी आज वो जो है 60-60 रुपए तक का वसूल रहे हैं। तो ऐसे में 60 कोस का व्यापारी और 60 कोस के कोल्ड मालिक एक हो गए हैं। और आप लोग किनको देख रहे हो उस पर जो है ठीकरा फोड़ना शुरू कर दे। इन लोगों ने एक अपनी मानसिकता एक जो है मोनोपॉलिसी बना रखी है, कोई भी व्यक्ति इस रेट से ज्यादा आलू नहीं खरीदेगा, कोल्ड मालिक इतने से ज्यादा जो है पैसे जो है मतलब ज्यादा लेगा या ये लेगा, इस वजह से जो है आपको आलू के सही रेट नहीं मिल पा रहे। कुल मिला के अगर हम देखें व्यापारी जो है अपना भला करने के उद्देश्य से कोल्ड मालिकों के सहयोग से जो है एक मोटा पैसा जो उन लोगों को देता है, फिर वही लोग कोने में ले जाकर व्यापारी को पट्टी पढ़ा देते हैं और फिर आडंबर रचा जाता है यूट्यूबरों को किसानों की नजर में खलनायक बनाने का, क्योंकि यूट्यूबर देश भर की सच्चाई जो है किसानों के समक्ष रख रहे हैं, देश भर में क्या गतिविधियां चल रही हैं और आने वाले दिनों में कितने रुपए की तेजी जो है किसानों को मिल सकती है। तो ऐसे में यदि किसानों को ये जानकारी मिलेगी तो किसान जो है आलू के रेट मांगेंगे और हम किसानों को वो रेट नहीं देना चाहते, उसे खुद लेना चाहते हैं। इस वजह से किसानों के अंदर यूट्यूबरों को खासतौर पर सोनू चौधरी के प्रति जो है भड़काए रखो, जिससे क्या है कि किसान जो है अपने आलू की बिक्री कर दें और जैसे ही किसान बिक्री करेंगे तो आलू के रेट जो है फिर हम जो है इसको मौके के रूप में भुनाएंगे। आज स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेज से निकासी के गलत आंकड़े जो है जारी किए जा रहे हैं, कोई 35% बताया, कोई 45, कोई 55, लेकिन निकासी 65% से ऊपर हो चुकी है। अभी बीज की निकासी भी जो है इसमें से होनी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम जो है आप लोगों के साथ में खेला जा रहा है। हम आप लोगों को वो जमीनी सच्चाई बता रहे हैं जिससे आपका फायदा हो, लेकिन ये लोग आप लोगों को वो फायदा नहीं देना चाहते। किसान साथियों आपको आलू, क्योंकि इस समय पर हम जो देख रहे हैं कि 150 सैंपल खुलते हैं, 150 सैंपल में से मात्र 20-30 सैंपल ही काफी बढ़िया क्वालिटी के निकलते हैं, उसमें से 5 जो है बेस्ट क्वालिटी के निकलते हैं तो उसके रेट होते हैं। बाकी ज्यादातर हम जो है उन आलुओं को देखते हैं जिसका कोई जो है डिमांड नहीं होती है। तो ऐसे में उस आलू को निकलवाने के लिए ये आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस जब तक नहीं रखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इधर किसान साथियों बीज की निकासी भी होनी है और बीज की निकासी होने के बाद में सबकी भट्टासी खुल जाएंगी, क्योंकि 20% बीज जो है उत्तर प्रदेश में निकलता है। तो 20% जब बीज निकलेगा तो फिर जो है स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी किसान साथियों, क्योंकि हरी सब्जियों की अनुपलब्धता देश भर में आलू के लिए जो है मांग बढ़ रही है। तो जो हल्के हैं ना जिन्हें 2 नंबर बता रहे हैं वो भी आलू जो है सम्मानजनक तरीके से निकल जाएंगे। किसान साथियों अब आप लोगों को बता दूं कि आलू के रेट और कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कच्चा आलू जिसे जो है दो दो फसलें जो है किसान जो है ले लेते हैं। देखो मैं खड़ी कहता हूं, आप लोगों को बुरी लग जाए मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो दो फसलें लेने वाले जिले कन्नौज, फरुखाबाद, बाराबंकी, संभल, यहाँ पर आलू सितंबर में लगता है और फिर उसे दीपावली पर खोद कर बाजार में उतार दिया जाता है, उससे पैसे कमाते हैं, फिर नवंबर या दिसंबर में जो आलू खोदा उसके बाद में फिर दोबारा आलू लगाया और फिर उसे खोदते हैं मार्च में, फरवरी और मार्च में जाके उसे भी मंडियों में डालते हैं, कुछ कोल्ड स्टोर ले जाते हैं और जो कोल्ड नहीं ले जाते वो डंप लगा देते हैं। लेकिन इस बार कच्चे आलू में भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, वर्षा ने आलू किसानों को जो है आलू की बुवाई के लिए रोके रखा है। तो ऐसे में अब यहाँ के किसान सिर्फ एक ही फसल ले पाएंगे, चाहे वो आलू की ले लें चाहे वो जो है गेहूं की ले लें। तो ऐसे में अगले साल जो यानी कि दो दो फसल जो ये लोग लेते हैं उससे अब जो है निजात मिल गई। किसान साथियों को ये सोचना चाहिए कि हम जो है फरुखाबाद और कन्नौज के खास तौर पर कि हम जो है दो दो फसलें लेते हैं जिनमें ख्याति पुखरा, दीपावली पर भी खोद के पैसा कमाते हैं और फिर दूसरी फसल पर ही कमाते हैं। आलू दो दो बार कर रहे हो तो कम से कम एक बात ध्यान रखो कि आपने पहली फसल पे भी दाम अच्छे कमा लिए, दूसरी फसल पे भी आपको 900 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल रहे हैं और वो भी हाइब्रिड आलू के, तो ये किसी स्तर पर कम नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी दाम ले लिया और ये भी दाम है। अब आप लोग कहो कि भैया 2000 रुपए प्रति कट्टा कब बिकेगा, ये होगा वो होगा, तो भैया देखो 2000 बिके ना बिके लेकिन आज के रेट फरुखाबाद कन्नौज के लिए सफिशियंट है, वो भी हाइब्रिड आलू के, और थोड़ा बहुत 100-200 रुपए और जो है बढ़ सकते हैं। लेकिन भैया देखो तुम जो कहो कि 2000 रुपए प्रति कट्टा हाइब्रिड बिक जावे, हाइब्रिड का अभी कोई मंडियों में उठान नहीं है। हाइब्रिड आप निकाल सकें तो निकाल दीजिए और रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले लीजिए, हमें कोई इससे नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना वो आप लोगों को एक सफिशियंट जानकारी दे रहे हैं जिससे आप लोग जो है अपने आलू की निकासी फरुखाबाद कन्नौज से कर दें।
किसान साथियों एक और बात हम आप लोगों को बता दें, चाहे वो फरुखाबाद कन्नौज या बिहार झारखंड या मालदा या जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है डबल फसल कोई भी नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं ना आप जो है, अब जब डबल फसल नहीं हो पाएगी तो निश्चित तौर पर 2025 तो आपकी फिर दोबारा से बन गई। अब किसान साथियों आप लोगों को एक और बात बता दें, जिस फसल को लेकर आप लोगों को दिल्ली के आजतपुर के नौसकिया डराते रहते हैं कि ऊना होशियारपुर में फसल आ जाएगी, दीपावली पे आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो जाएगी, किसान साथियों पहली बात तो यह है वहां पर जर्मिनेशन ही आलू का सही प्रकार से नहीं हो पाया है। कभी अत्यधिक गर्मी तो कभी जो है हीटिंग यानी बहुत गर्मी की वजह से जो है काफी दिक्कतें किसान को झेलनी पड़ी है, यानी गर्मी फिर बरसात फिर गर्मी, इससे आलू का जो है जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हुआ है तो पैदावार भी काफी कम आएगी। और दूसरा, यूट्यूबर कोई भी हो सबने यही बताया होगा 50% ही क्षेत्रफल पर आलू लगा है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, अब लगे वो बात अलग है क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन है। लेकिन ये जो फरुखाबाद और ये आपका कन्नौज या आपके इंदौर ग्वालियर, इनके ना होने की वजह से ऊना होशियारपुर ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, कब आया कब गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, इसका जो भी आएगा आलू जो है वो जो है पूरे देश की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त होगा तो फिर आप कोल्ड स्टोरेज का, क्योंकि फरुखाबाद कन्नौज ये सब जो है लेट है। तो कुल मिला के आप लोगों का आलू बढ़िया तरीके से जो है मैं देख रहा हूँ अच्छे रेटों पर निकल जाएगा। किसान साथियों अगर अगर हम दूसरे बात करें तो इस समय पर पूरे देश भर से मानसून की वापसी जो है हो चुकी है, ज्यादातर हिस्से जो है ड्राई हो चुके हैं, और ऐसे में जैसे मई और जून में आलू जो है साउथ के लिए लोडिंग हो रही थी उसी तरीके से अब जो है एक आध दो दिन में लोडिंग शुरू हो जाएगी। किसी भी स्टेट में कहीं पे भी बारिश नहीं है, मौसम एकदम शुष्क चला है। तो जो पहले हम देखते थे तिरपाल लग के आलू जा रहा है या जो है पाइप लगा के आलू भेज रहे थे, लेकिन अब जो है व्यापारी खुले उससे ही जैसे पहले जा रहा था चटाई लगा के वैसे ही जो है फिर दोबारा से जाना शुरू हो गया है। तो कुल मिला के ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है। किसान साथियों दक्षिण भारत की जो प्रमुख फसलें हैं जो कि हसन जिस नाम पे आपको डराया जाता था, अब वो जो है बहुत ही रेयर मात्रा में पहुंच गई, यानी कि महज एक और दो दिन की रह गई है, और इससे आगरा आलू की डिमांड बड़े स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और इससे आगरा आलू के रेट, आगरा आलू का तात्पर्य 37-97 से है और किसी से मत समझ लेना। तो इससे आलू के रेट जो है यहाँ पर 37-97 के भी 2000 रुपये प्रति कट्टा के आंकड़े को पार कर सकते हैं। इधर किसान साथियों कल से शारदीय नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं तो आलू की खपत तो ऑटोमेटिक जो है बनती बनती है, तो माता रानी की कृपा हुई तो आप लोगों को 200 रुपये की तेजी इसमें भी मिल जाएगी। किसान साथियों शारदीय नवरात्रों के बाद में जो सीजन शुरू होगा वो त्योहारी सीजन शुरू होगा, तो त्योहारी सीजन में भी आलू की खपत जो है बढ़ती है। इसके बाद में किसान साथियों सालगी सीजन, तो सालगी सीजन में आप सभी जानते हैं कि सालगी सीजन में तो भैया पुराने आलू की डिमांड होती है, नए आलू की कोई डिमांड नहीं होती है, हर कोई जो है फिर पुराने आलू को ढूंढता फिरता है। अब ऐसे में किसान साथियों आप लोगों को ये वीडियो में ये जानकारियां देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यूट्यूबरों की बौखलाहट और यूट्यूबरों की गंजेपन की वजह से, यानी कि नकारेपन और छोटी बातों की वजह से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यदि आप लोग शुरुआत से ही सोनू चौधरी की बातों पर विश्वास करते ना तो आज आपको आलू के अच्छे रेट मिले होते। सोनू चौधरी ने कभी भी आप लोगों का आलू बिकवाने के लिए ये नहीं कहा होगा आलू निकालोगे ये होगा वो होगा, हमेशा आप लोगों का हौसला अफजाई की होगी। और इसके लिए किसान साथियों अगर मैंने कोल्ड मालिकों से भी पंगा लिया है ना तो यकीन मानना किसान साथियों सिर्फ आप लोगों का भला कराने के लिए, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद था कि फलानो यूट्यूबर बोल लो है कि टूडला को बोल लो है, अलीगढ़ को बोल लो है या फरुखाबाद को या कन्नौज को बोल लो है, तुम ऐसे बोलो मैंने ससुरे जूता रखा है तो मैं वहीं तक आ दूंगा। मेरा काम है किसानों को जानकारी देना, किसानों को अच्छी लग रही है, किसानों को चार पैसे अगर फायदा मिल रहा है तो मैं वो बात करूंगा, मैं क्यों करूँ इनको इन लोगों की तरह से बातें जो व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का भला हो आढ़तियों का भला हो। भाई मेरा काम किसानों के हिस्से जुड़ा हुआ है, किसानों को फायदा होना चाहिए, नहीं तो किसान जो है अगर इनकी तरह मैं करता तो इन लोगों ने तो वही कर रखा था कि आलू 1000-1200 से ऊपर ना बिके तो वही तुम्हारा जो 3-4 सालों से चल रहा था 500-600 वही बिकता रहता, फिर क्या होता। लेकिन ये देखो सोनू चौधरी आप लोगों के साथ डटा रहा है, आज 2 अक्टूबर हो गई हटा तो नहीं है, 2000 ही बिक गया, बस बारी है अब आप लोगों का आलू बिक्री करने की। और निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ माता रानी की कृपा अगर ऐसी बरसती रही तो आप लोगों को भी आलू के रेट मिल जाएंगे। लेकिन भैया देखो मैंने आप लोगों से ये कहा था आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा और देखो बिक गया, मेरी बात तो पत्थर की लकीर है। अब समझने समझने की बात है, कई लोग जो है बौखलाहट आ जाती है। अब किसान साथियों आलू के रेटों को लेकर बात करेंगे तो आलू के रेटों में आज जो है काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर हम जो है कोयम्बटूर मंडी से शुरुआत करेंगे तो कोयम्बटूर मंडी में आज किसान साथियों आगरा के आलू में
2 रुपए किलो की तेजी देखी गई है। 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू 30 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो। तिरुची की मंडी में आगरा के आलू 34 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। जयपुर की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। ऊना की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी की बात करेंगे तो 32 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 34 रुपए किलो की दर पर जो है आज आलू जो है बिके हैं। वहीं कानपुर में आलू में अच्छी खासी तेजी जो है दर्ज की गई है, 22-23 रुपए किलो तक आलू जो है आगरा के बिके हैं। तो बहरहाल वीडियो में आप अंतिम छोर तक जुड़े रहे, इसके लिए हम आपको आभारी रहेंगे। आपको वो जानकारी हम आप लोगों के सामने रखी है जिससे आप लोग भी थोड़ा विचार करें, गंभीरता दिखाएं कि भाई आखिर सोनू चौधरी ने जो कहा वही हुआ। तो ऐसे में हम वो काम करते हैं जिससे आप लोगों का मान सम्मान और जो है आप लोगों की आत्मीयता जो है बनी रहे। हम ऐसे काम नहीं करते कि भैया आलू निकालो, या 3 दिन आढ़तियों की बात करें, 2 दिन व्यापारियों की, 1 दिन गपड़चोत करते हैं, या फिर जो है व्यापारियों की बोल रहे हैं कि व्यापारी ये कर रहे हैं। ये आप एक बात ध्यान रखिए, यूट्यूबर अगर व्यापारी और आढ़ती और कोल्ड मालिकों की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो वहां से एक मोटा पैसा जो है ले रहा है जिसकी वजह से बात कर रहा है। और कोई यूट्यूबर अगर इनको गलिया रहा है, इनको उल्टा सीधा बोल रहा है, इनको गाली गलौज कर रहा है, तो वो सिर्फ आप लोगों का आलू अच्छे रेटों पर बिकवाने के लिए। भाई आप ये समझिए कि अगर सोशल मीडिया के दौर में यदि आप लोगों को पूरी देश भर की जानकारी मिल रही है तो वो भी एक कहाँ कहाँ से मेहनत करके निकाल के ला रहा है जिससे आप लोगों को आलू के तेज रेट मिल रहे हैं। नहीं तो इन लोगों ने तो वही सपने पाल रखे थे। बहरहाल ज्यादा टीका टिप्पणी करना किसी के प्रति उचित नहीं है, लेकिन बौखलाहट इन यूट्यूबरों की आज जो देखने को मिली, इससे गुजरात की जो सच्चाई है वो आप लोगों को लेकर आप लोगों के समक्ष दिखानी पड़ी, ताकि आप लोग समझें, विचारें कि ये 3% चिल्ला रहे थे, वहां तो 15-20% पे आलू लगा था, तो निश्चित तौर पर 15-20% और कहां ये 3%, तो झूठ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। इसी से समझ लीजिए सोनू चौधरी वो सोनू है जो कि जमीन से नहीं हलक से भी सच्चाई उगलवा लेता है। यहाँ जूता रखते हैं, यहाँ ऐसे लीचड़ पने वाली बात नहीं करते कि व्यापारियों का सहयोग करें, कोल्ड मालिकों का सहयोग करें। भैया ये तो धन्ना सेठ हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पड़ता है फर्क हमारे किसानों पर अगर उनका 100 रुपए प्रति कट्टा नीचे आलू बिक जाए। अरे यार हमारा काम है किसानों की हौसला अफजाई करना, किसानों को देश भर की जानकारी देना, ताकि 100 नहीं 200 रुपए की तेजी उनको मिल जाए। किसान मेहनत करता है, उसकी मेहनत का परिणाम हम लोगों को देना चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए जिससे किसान को 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिले, उनके बच्चे पढ़ें लिखें, सामाजिक सरोकार से जीवन जिए, एकदम ठाट बाट से हमारे किसान जिए, जिससे जो है उनकी धन वैभव संपदा में कोई कमी ना हो, जो भी पैसा मिले उससे वो खेत और ज्यादा खरीदें, जो भी उनका काम है वो और ज्यादा बढ़ाएं, जिससे एक प्रगतिशील किसान कहलाएं। बहरहाल किसान साथी वीडियो में मेरे साथ